जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। एक बार फिर जसपुर नगर पालिका सुर्खियों में है, जहां जसपुर नगर पालिका सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभासदों का आरोप है कि पिछले काफी लंबे समय से नगर पालिका में घोटाले हो रहे हैं। 2016 में 8 लाख की लागत से बनाए गए स्वागत द्वारों में समय समय पर मरम्मत के नाम पर जो है लाखों रुपए का घोटाला सामने आया। वहीं साथ ही सभासदों का कहना है कि 2018 में नगर पालिका की 14,50,000 की दुकान नीलामी की गई, जिसके 6.5 लाख रुपए भी जमा कर दिए गए, लेकिन अध्यक्ष पुत्र और उस समय मौजूदा अधिशासी अधिकारी द्वारा साठगांठ कर वो पैसे वापस कर दिए गए, जो नगरपालिका अधिनियम के विरुद्ध है। सभासदों द्वारा इसकी शिकायत मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से की गई है, जिसमें उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सभासदों ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड और शहरी विकास मंत्री से शिकायत कर कार्रवाई की मांग करेंगे। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमने जो नगर पालिका में स्वागत द्वार लगे हुए हैं, 2016 में वो स्वागत द्वार पूरे नए 8 लाख रुपए के लगे थे। 2019 में उसकी मरम्मत 6.5 लाख रुपए की दिखाई गई है। आज उन्हीं स्वागत द्वारों की जो 8 लाख रुपए के नए लगे थे, उन्हीं स्वागत द्वारों को 14 लाख रुपए के मरम्मत के नाम पे पैसा गबन किया गया अध्यक्ष पुत्र हाजी राशिद और अधिशासी अधिकारी साहिद अली के द्वारा। स्वागत द्वार लगे हुए हैं नगर पालिका के सीमा के अंतर्गत, उसमें बहुत धांधली गर्दी हो रही है, क्योंकि जब 2016-17 में तीनों गेट लगे थे, शायद इनका नए गेटों का जो निर्माण हुआ है शायद 6 से 7 लाख के बीच का निर्माण हुआ है। उसके बाद इनका जो है सौंदर्यकरण 18-19 में किया गया, 18-19 में भी शायद 7-8 लाख का इनका सौंदर्यकरण करा गया। अब उसके बाद 2022 में इसका सौंदर्यकरण किया गया है, जिसमें सौंदर्यकरण के नाम पर खूब लुटाई हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 14-14.5 लाख का इसका बिल निकाला गया है।